नमस्कार मित्रों, मैं अभिरत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटी। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम रुद्राक्ष की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक वनस्पति का बीज है, यह उस जगह पर उगता है जहाँ अधिकाधिक जंगल होते हैं और पानी कम दिखता है, वहाँ इसके पेड़ पैदा होते हैं। एक ही पेड़ से एक मुखी व 30 मुखी रुद्राक्ष तक प्राप्त होता है, लेकिन सामान्यतया 21 मुखी रुद्राक्ष तक ही देखे गए हैं। अन्य रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ किस्म के हैं। दो मुखी रुद्राक्ष उसी पेड़ पर होता है जिस पेड़ में ग्रहण के समय में कोई फूल पराग को निषेचित करता है। उस समय में जबकि निषेचन की ये प्रक्रिया चल रही होती है, उसी निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो फल बनते हैं वो सब गहनुआ हो जाते हैं और कई मुखी रूप धारण कर लेते हैं। रुद्र का मतलब भगवान शिव से लिया जाता है और अक्ष का मतलब है ध्रुव। दो मुखी रुद्राक्ष किसी तरह से हानिकारक नहीं है। एक मुखी को सोता हुआ और दो मुखी को जागता हुआ रुद्राक्ष कहा जाता है। यह अंतर मन को ठीक करता है, पित्त को शांत करता है, शरीर और मन को का बैलेंस बनाता है। दो मुखी रुद्राक्ष में भगवान शिव की सौम्य और शांत मुद्रा को देखना चाहिए। दिमागी बेचैनी और राव के प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिनका मन अशांत हो, धनागम न हो रहा हो, उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष वरदान है। यह इसमें पीलिया और खांसी जुकाम पर भी अपना असर दिखाता है। दो मुखी रुद्राक्ष को जब निगेटिव साइड से फोटो के अंदर करके देखा गया तो उसके अंदर से प्रकाश की रश्मियां देखी गई है। दो मुखी रुद्राक्ष में लोगों की बहुत आस्था है। इसे शिव के नेत्र के रूप में माना गया है। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ आप किसी भी सोमवार को इसको धारण कर सकते हैं। यह गृहस्थों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक है। मित्रों, रुद्राक्ष बहुत ही सुंदर है और आप इसको धारण करके लाभ उठा सकते हैं। अगर दोनों की रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो यह गृहस्थों के लिए विशेष रूप से शुभ है। इससे पति पत्नी का प्यार भी बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। तो मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।